हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। सो फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कितने सॉलिड स्टेट क्या है, ठोस अवस्था क्या है और उस कितने प्रकार के ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल जालक के बारे में, यानी क्रिस्टल लैटिस के बारे में। ठीक है, तो ये बॉक्स मैं यूज़ करने वाली हूँ आपको समझाने के लिए, फिलहाल अभी इसको ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो, क्रिस्टल जालक क्या है इस बात से। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, ये एक्स वाई जेड तीन अक्षों पर अव्ययी कणों को व्यवस्थित करने में बनी एक जटिल संरचना है। ठीक है, क्या है क्रिस्टल जालक, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स में, तीनों अक्षों पर अव्ययी कणों को व्यवस्थित करने में जो एक जटिल संरचना का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये हमारा एक क्रिस्टल जालक को दिखा रहा है। ठीक है, ये जो हमारे जो आपको गोल दिखाई दे रहा होगा, जो बिंदु है, इसको हम कहते हैं ये अव्ययी कण की पोजीशन दर्शा रहा है, अव्ययी कणों की पोजीशन। ठीक है, क्या दिखा रहा है हमारे हमें उसकी व्यवस्था दिखा रहा है, उसकी पोजीशन दिखा रहा है। ये एक अव्ययी कण को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि एक जो हमारा ये क्यूब है, क्यूब इसके जो कॉर्नर्स हैं, इसके जो कॉर्नर्स हैं, इन सब कॉर्नर्स पर आपको दिख रहा है कि अव्ययी कण मौजूद हैं। इसको जो ये जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं जालक बिंदु। क्या कहते हैं, जालक बिंदु। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक क्यूब अगर हम लें तो उसमें कितने लैटिस पॉइंट होंगे, कितने जालक बिंदु होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो आपको 8 बिंदु मिलेंगे एक कोशिका में। ठीक है, अब हम कोशिका समझते हैं कि क्या है, यूनिट सेल के बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल जालक दिखाई दे रहा है। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका। क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका। तो क्या होता है कि कई सारी एकक कोष्ठिका है जो वो मिलके, वो अरेंज होके हमारा पूरा क्रिस्टल जालक बनाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक जो हमारी एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल है, इसका रिपीटेटिव अरेंजमेंट है। इसका रिपीटेटिव अरेंजमेंट मतलब क्या कहना है, रिपीटेटिव अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि जैसे ये एक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका, एक है। ठीक है, क्या होगा जब हमारा क्रिस्टल जालक बनेगा इस एकक कोष्ठिका से। ठीक है, अगर हम बहुत सिंपल क्रिस्टल लैटिस की बात करें, जो एकदम एकदम स्टार्टिंग किससे होती है, तो वो इसी से होती है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इसी को क्या कह दिया, क्रिस्टल लैटिस कह दिया। लेकिन बेसिकली क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका का बार बार अरेंजमेंट होता है, बार बार किया गया अरेंजमेंट। तो कैसे हम इसका अरेंजमेंट करने वाले हैं, तो देखिए अगर ये हमारा एक लैटिस है, सपोज़ कि ये हमारा बीच में रखा हुआ लैटिस है, सॉरी बीच में रखा हुआ यूनिट सेल है। अब क्या होगा, हम इधर इस तरफ एक और ले आके हमारा ये जो यूनिट सेल है, इसको एक और यूनिट सेल इसको लगा के यहीं पर रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसके साथ में ऐसे। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको क्या मिलने वाला है, आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर आप इसके इस यूनिट सेल के ऊपर एक और एकक कोष्ठिका रखें, एक और यूनिट सेल रखें, तब आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। इधर भी आप रखेंगे, ठीक है, इधर भी आप रखेंगे, यानी लेफ्ट साइड रखेंगे, राइट साइड रखेंगे, टॉप में रखेंगे और बॉटम में भी रखेंगे। ठीक है, जब आप बॉटम में रखेंगे तो आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा। ये बेसिकली मैंने चार बनाया हुआ है। अगर आप किसी एक को, अगर किसी आप एक को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है, ये मैंने, ये सपोज़ कि ये जो आपने दिख रहा है यूनिट सेल, ये वाला सेल है।
इसकी बाउंड्रीज मैं डार्क कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, इसके हमने नीचे रखा है, ठीक है, एक यूनिट सेल हमने नीचे रखा, दूसरा हमने क्या होगा नीचे वाले कॉर्नर से सटा के एक नीचे रखा है, ठीक है, उसके ऊपर वाले में जो ऊपर वाला कॉर्नर है उससे सटा के हमने एक और रखा है। इसी प्रकार से क्या होगा, इसके ऊपर भी चलेगा, इसके ऊपर भी चलेगा, इसके दाहिने में भी चलेगा, इसके बाएँ में भी चलेगा। तो समझ आ रहा है कि आपको कि किस प्रकार से ये इसी तरह से क्रिस्टल ग्रोथ होता है, ठीक है, क्रिस्टल ग्रोथ। तो जैसे कि ये एक यूनिट सेल है, इसमें चार यूनिट सेल से मिला हुआ क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस। इसी प्रकार से आठ हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, बीस हो सकते हैं, कितना भी बड़ा लैटिस स्ट्रक्चर लैटिस क्रिस्टल लैटिस हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा समझ ये हम हो गया इंट्रोडक्शन हमारा। इसमें हमने दो तीन चीज़ें जानी। पहला जाना कि एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में होता है। कैसे एक्स वाई जेड, तो देखिए क्यूब है, क्यूब एक 3D अरेंजमेंट होता है, राइट। तो जैसे कि अगर मैं आपको ये शार्पनर से दिखाऊं, ठीक है, ये क्या है, ये एक क्यूबॉइड है बेसिकली। अगर मैं ये क्यूबॉइड है क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ और जो हाइट है वो अलग अलग है, लेकिन आप इसको क्यूब भी समझ मतलब क्यूब लेके भी देख सकते हैं। जैसे आपने रूबिक्स क्यूब देखी होगी जिसमें आप लोग हम उसको बेसिकली वो टॉय होता है। तो मैं इस शार्पनर से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए क्या है कि इसमें कितने पॉइंट्स ले, अगर ये एक हमारा एक लैटिस पॉइंट को दर्शा रहा है, तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसका ये टॉप पॉइंट है। आप सभी अपने पास से शार्पनर या जो भी ऐसा 3D स्ट्रक्चर होगा आप ले सकते हैं, समझने के लिए आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये हो गया हमारा ये पॉइंट। दूसरा ऊपर वाला पॉइंट है ये हम इसको देख सकते हैं। पीछे वाला पॉइंट ये देखिए, तो ये वाला पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट हमारा ये होगा, तो यहाँ पर चौथा पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर मार्क करूँ, तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हमारा थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। हालांकि आप लोगों को बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 1, 2, 3, 4 हमारा ये ऊपर वाली सरफेस को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली सरफेस हो गई। अब अगर आप नीचे जाते तो इसके नीचे ये पॉइंट है, यानी फर्स्ट वाले के नीचे ये वाला पॉइंट है, तो इस वाले के नीचे कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा वाला जो पॉइंट था हमारा, दूसरा पॉइंट यहाँ तक, तो इसके नीचे ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर कहीं पर आएगा। इसी प्रकार से आपको देखना है कि इसके नीचे ये पॉइंट है, तो तीसरे वाले के नीचे यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा जो चौथा पॉइंट था, जो ये है चौथा पॉइंट, इसके नीचे वाला पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर आएगा। तो आप भी समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान है इसको समझना विद द हेल्प ऑफ सम क्यूब। तो आप कोई क्यूब ले लीजिए और उससे अपने आप स्ट्रक्चर को रिलेट करिए। और अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप मार्किंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5, 6, 7, 8 ऐसे इस प्रकार से मार्किंग कर लीजिए और अपने उस जो भी आपने क्यूब लिया है उसको मार्क कर लीजिए और आपको आसानी से समझ आएगा। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि सरफेस जैसे क्यूब है ना, ये क्यूब आप इमेजिन करिए कि इस ये भी एक क्यूब ही है, ये क्यूबॉइड नहीं है, ठीक है। इसका भी जो है सारे साइड जो है वो इक्वल है, यानी कि हाइट लेंथ और ब्रेथ सारे के सारे इक्वल है। तो अगर इसमें कोई पूछे आपसे कि इसमें कितने सरफेसेस है, इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, ये हमने देख लिया है, ठीक है। 8 कॉर्नर्स इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं आगे। और अगर आपसे पूछे कोई कि इसमें कितने सरफेस होते हैं, तो आपको देख लेना है कितने सरफेस होते हैं। ये हो गया फर्स्ट सरफेस, ये टॉप वाला है, ठीक है, ऊपर वाला जो है, तो ये हो गया फर्स्ट सरफेस, ठीक। सेकेंड सरफेस इसके नीचे होगा, यानी कि ये जो टॉप वाला है उसके जस्ट नीचे, ये वाला सरफेस नीचे वाला, तो इसके नीचे, ये ऊपर का सरफेस तो ये नीचे का सरफेस, तो ये हमारा 1 था, तो ये हमारा क्या होगा 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले के नीचे वाला हो गया 2, ठीक है। अब हमें देखिए कि साइड वाला, ये वाला जो साइड है, ठीक है, इस ये भी एक सरफेस ही तो है, तो इस सरफेस को हम बोलते हैं ओके, हम इसको 1, 2 नहीं बोल के ABCD नाम देते हैं। तो ये सरफेस हो गया A, ये हो गया B, ये हो जाएगा हमारा C और इसके ऑपोजिट में हो जाएगा D, ठीक है। और तो ये हमारा कौन सा सरफेस हो गया, ये A हो गया, जो हमारे फर्स्ट हमने लिखा था वो A हो गया। इसके नीचे वाला क्या हुआ, B। इसके साइड वाला ये साइड है, तो ये एक सरफेस रहेगा, तो ये हो गया हमारा C।
और इसके ऑपोजिट में ये जो सरफेस रहेगा ये हो जाएगी हमारी डी। अभी भी हमारी दो सरफेसेस बची हुई है, कौन कौन सी, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस बची हुई है। तो कितने सरफेस हुए हमने देखा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो 6 सरफेस हुई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी क्यूब में कितने कॉर्नर्स यानी कितने लैटिस पॉइंट होंगे, तो आप बोलेंगे कि 8 है। और कितने सरफेस पूछे कोई, सरफेस यानी क्या बोलते हैं इसको, सतह कह सकते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे सरफेस कितना है, तो आप बोलेंगे एक क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए और इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हम आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब हम एक बार फिर से देखते हैं क्रिस्टल जालक क्या है। तो क्रिस्टल जालक को हमने देखा कि एक्स वाई जेड, हाँ अब हमने एक्स वाई जेड क्यूब बोला। देखिए ये हो गया हमारा एक्स, ठीक है, ये हो गई हमारी वाई, और प्लस इसमें तीसरा डायमेंशन भी है, ठीक है, थर्ड इसमें हाइट भी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो तीन डायरेक्शंस हुए ना। तो कौन कौन से, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो जो ये हमारी जो हाइट है ये हो गई हमारा जेड। तो इसीलिए हमने 3 कोऑर्डिनेट्स कहा है। तो 3 कोऑर्डिनेट्स यानी 3 अक्षों पर अवयवी कणों की व्यवस्थित को व्यवस्थित करने में बनी जटिल संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक में अव्ययी कणों की को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि हमने बात किया कि ये जो हमारा जो डॉट है, ये जो बिंदु है, इसको हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु यानी कि लैटिस पॉइंट। अब हम लोग देखने वाले हैं एकक कोष्ठिका। इस जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये दिस इज एकक कोष्ठिका, ये एकक कोष्ठिका है। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमने ये एक छोटा सा क्रिस्टल लिया जिसको हमने बोल्ड लाइन, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आई विल डू दिस लाइक, ये हमने बोल्ड लाइन की है जिस क्रिस्टल को, जिस यूनिट सेल को, ठीक है, ये हमारा एक है। ऐसे ऐसे हम कई सारे रख सकते हैं, और अगर हम कई सारे बार बार, क्या लिखा हमने, जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। तो अगर हम एक ही यूनिट सेल ले और उसी तरीके की यूनिट सेल को कई बार हर दिशाओं में समान तरीके से समान रूप से दोहराएं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल की संरचना मिल जाएगी यानी क्रिस्टल जालक मिल जाएगा, ठीक है। और इस जो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल संरचना का जिस चीज़ से, जिस छोटी सी इकाई से निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, वो एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है। तो अभी आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जा रहे हैं समझने के लिए कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल मूलतः दो प्रकार की होती है, एक तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल होगी, सरल मतलब सिंपल होगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, इसका दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरा जो तरीका, दूसरा प्रकार है जो एकक कोष्ठिका का, वो है केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो हमने देख लिया एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका होने वाली है, दूसरी हमारी केंद्रित एकक कोष्ठिका होने वाली है। अब समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों का नाम वो क्यों है जो जैसे दिया गया है। जैसे सरल है तो सरल क्यूब बोला गया है और केंद्रित है तो केंद्रित क्यूब बोला गया है। तो आइए देखते हैं, जैसे डेफिनेशन यानी परिभाषा में जैसे लिखा हो गया, ठीक है। तो देखिए कि इसमें सरल घनीय एकक कोष्ठिका में देखते हैं, सबसे पहले इसमें अव्ययी कण घन के कोणों पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, कोणों पर उपस्थित होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, हमने जो हमारा स्ट्रक्चर सबसे पहला देखा था उसमें देखा कि सिर्फ कोणों पर ही यानी वर्टिसेस पर ही उपस्थित हैं, ठीक है। तो अव्ययी कण जो हैं इसमें सरल में क्या होंगे, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में सिर्फ हमारे कोणों पर, घन के कोणों पर ही उपस्थित होंगे क्या, अव्ययी कण, ठीक है। जिसमें प्रति एकक कोष्ठिका अव्ययी कणों की संख्या 1/8 × 8 = 1 होगी। कैसे, अब ये चीज़ समझने की है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारी कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल है, उसमें हमने देखा कि कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं,
ठीक है, 8 कॉर्नर्स होते हैं। अभी क्या है कि अब हमने देख लिया कि माफ कीजिएगा, देख लिया कि यहाँ पर लिखा है कि एकक कोष्ठिका में सिंपल SCC में यानी सरल घनीय एकक कोष्ठिका में जो टोटल अव्यय कण की संख्या होती है वो 1 होती है। ये 1 कैसे आई? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर पे एक एक रहता है, ठीक। लेकिन जो एक एक अव्ययी कण है यानी एक एक लैटिस पॉइंट है, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसका कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो 1/8 रहता है। 1/8 कैसे रहता है ये थोड़ा समझने की बात है, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस हमारे इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे। तो मैं आपके लिए ना क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दोबारा बनाने वाली हूँ, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं ये क्यूब बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारा क्यूब बन गया, ठीक है, दिस इज आवर क्यूब। अभी हमें क्या करना है कि इसके चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ बनाना है। तो ऐसे बनाइए, ठीक है। यह हमारा एक और क्यूब बना। अब इसके नीचे भी एक और क्यूब बनेगा, इसके इस साइड में और इसके इस साइड में भी एक और बनेगा, ठीक है। तो मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, मैं मुझे सिर्फ एक इस पॉइंट से मतलब है। मैं इस पॉइंट को ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसा इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए क्या है। ओके, इस जैसे कि हमने इस साइड में इस पॉइंट की यानी कि इस जो हमने सबसे पहले लैटिस ये वाली बनाई थी, इसके हमने लेफ्ट में बनाया, इसके हमने राइट में बनाया, इसके हमने डाउन बनाया, इसके हमने अप बनाया। तो इसी प्रकार से इस वाली जो क्यूबिक सेल है, इसके पीछे भी एक स्ट्रक्चर बनेगा और इसके आगे भी बनेगा, ठीक है। तो आप समझिए कि जैसे ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स जो रहेगा वो इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो समझने के लिए है सिर्फ। अब आपको देखना है कि ये जो एक पॉइंट है ये कितने क्यूबिक सेल का पार्ट है, ठीक है, कितने क्यूबिक सेल का पार्ट है। ओके, तो आपको ये समझना है। तो हम देखते हैं कि ये कितने क्यूबिक सेल का पार्ट है। सबसे पहले तो ये इस फर्स्ट क्यूबिक सेल का पार्ट है क्योंकि इसी का कॉर्नर हमने सबसे पहले बनाया था। दूसरा, ये इस क्यूबिक सेल का भी पार्ट है। तो फर्स्ट हो गई, दूसरी हो गई। तीसरा देखेंगे तो आप पाएंगे कि नीचे वाले जो सेल है इसका भी ये पार्ट है, तो थर्ड हो गया। इसी प्रकार से अगर आप ये वाली सेल को देखेंगे, क्योंकि इस वाले सेल का भी ये पार्ट है, तो ये चौथा हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये वाला जो पॉइंट है, अगर इसी सेम तरीके की लेयर इसके ऊपर रखी जाए, जैसे कि ये रखी जाए यहाँ पर, इसी तरीके की सेल अगर यहाँ पर रखी जाए, इसी प्रकार से एक यहाँ पर भी सेल रखी जाए और यहाँ पर भी सेल रखी जाए, तो क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है इस वाले में भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसी प्रकार से ऊपर और इधर वाले में भी आएगा। इसका मतलब ये होगा कि एक जो लैटिस पॉइंट है वो टोटल 8 सेलों में जा रहा है। चार तो इसी में, और चार कौन से क्यूबिक सेल में जाएगा, जो इसके ऊपर होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, एक पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, कितने सेल्स में हो रहा है, टोटल 8 यूनिट सेल में, ठीक है, टोटल 8 यूनिट सेल में हो रहा है। इसीलिए अब जैसे कि 8 यूनिट सेल में, तो एक लैटिस पॉइंट का, मैं ऐसे लिखती हूँ, एक लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, लैटिस पॉइंट बोलिए या आप कहिए जालक बिंदु, तो मैं एक ज्वाल दोनों भाषाओं में लिखती हूँ, एक जालक बिंदु का कंट्रीब्यूशन कितने सेल में हो रहा है, 8 सेलों में, ठीक है, 8 8 एकक कोशिकाओं में। तो एक सेल में कितना होगा, तो 1/8 होगा, समझ में आ रहा है। ये हम इधर भेजेंगे और एक सेल में, एक यूनिट सेल में यानी एक एकक कोशिका में कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। इस प्रकार से हमें ये समझ में आया कि 1/8 कैसे हुआ। तो जो ये हमारा पॉइंट लिखा था कि जो हमारा ये पॉइंट लिखा हुआ था कि एक कोष्ठिका में अव्ययी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, कैसे हुआ, 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा एक एक लैटिस पॉइंट का, और 8 ऐसे ऐसे लैटिस पॉइंट हैं, तो जब दो 8 8 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना हमारे पास, 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सरल घनीय एकक कोष्ठिका। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा प्रकार है केंद्रित
केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, क्या है केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसमें क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अव्ययी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि सरल एकक कोष्ठिका में क्या हुआ था, सिर्फ कॉर्नर पर थे, सिर्फ लैटिस पॉइंट जो थे वो कॉर्नर पर थे, अव्ययी कण लैटिस पॉइंट यानी कॉर्नर्स पे थे। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारे अव्ययी कण वो कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी होते हैं, क्या होते हैं, कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी मिलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ऐसा एक एक ही पॉसिबल केस नहीं है, इसके तीन प्रकार होते हैं, ठीक है, तीन प्रकार से, एक BCC, दूसरा FCC और तीसरा होता है अन्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो हमारा जैसे कि सेशन इस ये कंप्लीट हो गया है, ये जो हमारा प्रकार है हमारे एकक केंद्रित एकक कोशिका के, हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये सारा ये जो हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है उसको ज़रूर अटेंड करें।